हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, यानी कि टोटल एनर्जी यहाँ पर भी कंजर्वड है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग की कहानी तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए ये कोई रिजिड स्पेस है और यहाँ पर ये स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, और इसके साथ ये मास एम का एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी ये जो मेन पोजीशन है ये मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हमने अब ये स्ट्रेच किया यहाँ तक, ठीक है, इतने पॉइंट तक, यहाँ तक इसको लेके गए इधर तक, कितना है ये मान लीजिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स एम है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको लेकर गए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ले जाने के बाद इसने इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, इधर आएगा, कितनी पोजीशन लेगा, जितना ये इधर लेकर गए थे एक्स एम उतना ही ये ऑटोमेटिकली इधर भी जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ माइनस एक्स एम, ठीक है, इस पोजीशन तक ये आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये ऑसिलेटिंग है, यहाँ पर हम ऑसिलेटिंग की कहानी देख रहे हैं। ठीक है, ऑसिलेट हो रहा है ये मास इस स्प्रिंग की फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जब इसको हम यहाँ पर लेकर गए, इस पोजीशन पर लेकर गए, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हमने इसको रोक दिया। ठीक है, तो इस पोजीशन पर जब हमने इसको रोका तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस पॉइंट पर क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बिकॉज इसको हम इसी पॉइंट इतना ही खींच सकते हैं। ठीक है, और जब हमने इसको छोड़ दिया, जब ये इस पॉइंट पे आया होगा यहाँ पर, तो हम इसकी एक ऐसी आप एज्यूम करो पोजीशन कि ये यहाँ पर मान लीजिए एक सेकंड के लिए रुका होगा, तब ये वी क्या होगा यहाँ पर, ज़ीरो, मतलब मैक्सिमम ये इतना गया होगा इधर, फिर दोबारा अपनी इधर गया होगा, तो यहाँ पर क्या हुई होगी, वी ज़ीरो हुई होगी और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी वजह से क्या रही होगी, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी क्या रही होगी, मैक्सिमम, बिकॉज ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है इसकी। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब जब ये मीन पोजीशन में, जैसे ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जब ये मीन पोजीशन पे होता है यहाँ पर, इधर जाके जब ये इधर आएगा, तब यहाँ पर जो मैक्सिमम होती है वेलोसिटी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, बिकॉज एक्स इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है 1/2 kx² होता है, तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर ज़ीरो रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बताओ। ये बिल्कुल केस वैसे ही है जैसे कि पेंडुलम का हमने पढ़ा था एक बार, कि ये पेंडुलम है जैसे, ठीक है, ये इधर गया और फिर ये इधर गया, मान लो ये इधर गया, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, और फिर ये इधर गया, तो इसमें भी तो हमें पता है ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh वाली होती है, क्योंकि ये हाइट होती है ना, इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती थी, ज़ीरो हो जाती थी, और इस पोजीशन पर क्या होती थी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, जब ये इधर जाके इधर जाते हैं ना, तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है वेलोसिटी। क्लियर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी जीरो, बिकॉज हाइट जीरो हो गई इसकी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है इसकी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज ये यहाँ के रुकेगा, और हाइट इसकी मैक्सिमम यही है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि mgh वाली कहानी लगती थी इसमें। ठीक है, तो वैसा ही कुछ ये भी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, 1/2 kx² होती है, और काइनेटिक एनर्जी तो वही होती है 1/2 mv². कितनी बात क्लियर है, बताओ। ये तो पता है ना, जब कोई चीज़ मोशन होगी तब काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर, तो जब ये इधर लेकर गए इस पोजीशन पे, जब हमने इसको रोक दिया, तो ऑब्वियस बात है इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि जैसे हम इसको छोड़ेंगे ना, ये इधर जाएगा, किसकी वजह से गया, पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, फिर इधर गया, फिर जब यहाँ इस पोजीशन पे आया तो क्या होगा, इस केस में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कैसे, कि जब ये इधर आया तो अब स्प्रिंग इसको इधर करना चाहेगा, तो वो किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसकी। क्लियर, तो इधर जाएगा। अब यहाँ पर जब मेन पोजीशन से जब ये ऐसे जाता है, तो यहाँ पर क्या होती है इसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि जब इधर लेकर गए तब इधर जा रहा है, तब भी आप कंसीडर करोगे यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे मैक्सिमम रहती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो रहेगी, बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो है इस पोजीशन पे। कितनी बात क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे है, ये केसेस लेंगे हम यहाँ पर। देखो जैसे हमने बात की, वी कंसीडर अ स्प्रिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो इनिशियली, ठीक है, एंड स्ट्रेच इट टू एक्स एम देन रिलीज। तो इसमें जो है ये स्प्रिंग यहाँ तक कंसीडर किया, ये मतलब है कहने का इसको, फिर इसको हमने स्ट्रेच किया यहाँ तक, फिर उसके बाद ये अपने आप ये ओसिलेट हुआ, ये मतलब है स्ट्रेच्ड इट टू एक्स एम एंड देन रिलीज, यहाँ के बाद इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये ऐसे ओसिलेट हो रहा है। क्लियर है, तो अब हम जब बात करेंगे इसमें कि एट एक्स इक्वल टू एक्स एम लेकर चलते हैं, ठीक है, तो देखो जरा एट एक्स इक्वल टू एक्स एम की जब हमने कहानी की ये वाली, तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जल्दी से बताओ। अगर यहाँ v ज़ीरो है तो ऑब्वियसली बात है 1/2 mv² होती है, और ये v ज़ीरो हो गया तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर ज़ीरो हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है 1/2 kx² होती है, तो यहाँ पर 1/2 kx की वैल्यू कितनी है, xm, तो ये xm का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो क्या होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है यू से, काइनेटिक एनर्जी के से, तो 0 + 1/2 kxm का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये हमारे पास 1/2 kxm का स्क्वायर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब ये कहानी हम एट एक्स इक्वल टू में माइनस xm के लिए भी ले सकते हैं, ये इधर वाला, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास V जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इस केस में भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या रहेगी, देखो बताओ 1/2 kx का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर क्या है माइनस का xm आ जाएगा इसका स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस में मतलब मान लीजिए माइनस की कोई टर्म है उसका स्क्वायर तो वो प्लस ही हो जाता है, जैसे मान लो माइनस टू होता है तो -2 - 2 प्लस का 4 हो जाता, समझ रहे हो ना, -2 × -2 क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और 2 × 2 = 4 इस तरीके से, तो प्लस हो जाता है। तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 kxm का स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 0 + 1/2 kxm² तो यानी कि 1/2 kxm² आ गया। कितनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसमें एट एक्स इक्वल टू जीरो की, यहाँ पर है मेन कहानी। अब देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो की जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, दैट इज़ अ 1/2 mv² होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी है तो m आ गया यहाँ पर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इसके इसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको पता है 1/2 kx² होता है और x की वैल्यू जीरो है, तो मतलब क्या है 1/2 k 0 का स्क्वायर क्या आ गई, जीरो आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है, तो जीरो हो गई। तो यहाँ टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, क्या होती है हमारे पास k प्लस में u, तो k है 1/2 mvm का स्क्वायर और ये जीरो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो ये 1/2 mvm का स्क्वायर, ये तो पता है ना, यू से मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहा हूँ, के से काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ ये आ गई। अब ये चीज़ जो है इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब जो इन दो में आ रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या रहनी चाहिए, एनर्जी तो सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ ये टर्म में आ रही है और यहाँ ये टर्म में आ रही है, तो ये इक्वल तो हैं, लेकिन ये प्रूफ कैसे करें कि ये इक्वल ही है, ये तो हमें पता है अभी कंजर्वड है, लेकिन यही तो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि कंजर्वेशन कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट मान लीजिए एक्स, एट एनी पॉइंट एक्स मान लिया, यहाँ पर किसी भी पॉइंट, ये तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स एम ये मैक्सिमम था, अब यहाँ इंटरमीडिएट कोई भी पॉइंट मान लो इसमें, तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट एक्स है, उस केस में क्या होगा, देखो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये है हमारी, ठीक है ना, जो ये 1/2 kxm² और यहाँ पर भी कितनी आ रही है आपके पास 1/2 kxm² यहाँ ये वाली, ठीक है, और यहाँ से भी यही आई है, क्लियर। तो ये हम यहाँ मान के चलते हैं कि ऑब्वियस बात है कंजर्वड है, तो मैकेनिकल एनर्जी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2 kxm का स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कुछ वैल्यू निकालूंगा वी की, वो यहाँ पर पुट करूँगा, और जब यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा कंसीडर करना पड़ रहा है पहले से मैकेनिकल एनर्जी कि यहाँ पर जो आई है वही सब में ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ले ली यहाँ पर। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या पता है यहाँ पर 1/2 k किसी भी पॉइंट उस पे, तो x लेंगे तो x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 1/2 कॉमन ले लो, तो mv² प्लस में kx² बचा, और यहाँ 1/2 kxm का स्क्वायर ये इससे कट गया, और यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से वैल्यू kxm का स्क्वायर और ये माइनस का kx² इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा mv², तो यहाँ से एक वेलोसिटी आ गई पर्टिकुलर, कहीं पर भी हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी v इस फॉर्मूले से। यहाँ से हम k कॉमन लें, ये xm² माइनस में x² आ गया, और ये वाला m इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये v² की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ से v की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट में आ जाएगी इधर, ठीक है, क्लियर है। अभी तो हमें यहाँ पर ये v² की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे। अब देखो ज़रा, ये vm बन जाएगा कब, x इक्वल टू जीरो पर, बिकॉज x इक्वल टू जीरो पर क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये vm का स्क्वायर बन जाएगा कब, एट x इक्वल टू जीरो पर। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाई m xm का स्क्वायर, और x कितना हो गया जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ रहे हो यहीं से। तो यहाँ पर अब हमारे पास k बाई m आ गया, और ये कितना आ गया, xm का स्क्वायर आ गया vm² की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम हमें इसके इक्वल लेके आना है इसको, तो हम यहाँ पर देखो ज़रा इसमें डाल देंगे ये वैल्यू,
1/2 mVm का स्क्वेयर, ठीक है जी, और इसमें ये वाली वैल्यू डालेंगे Vm में, तो 1/2 mVm स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ रही है, K/mXm का स्क्वेयर। तो देखो m से m कट गया, तो देख लो ये वही आ रहा है 1/2 kXm का स्क्वेयर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर भी समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ ये चीज़। एम से एम कट गया तो 1/2 kXm स्क्वायर, ये वही चीज़ आ गई जो यहाँ पर थी, x इक्वल टू एक्स एम पे थी, माइनस एक्स एम पे थी, तो x इक्वल टू जीरो पे भी वही चीज़ है। ऐसे नहीं लिख देना कि बस यहाँ 1/2 mVm स्क्वायर आ गया। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे v की, यहाँ से ये v स्क्वायर आया था एट एनी पॉइंट x के लिए, हम जब हमने निकाला यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से x इक्वल टू जीरो पे ये v क्या बन जाएगा, Vm बन जाएगा, मैक्सिमम हमें पता है x इक्वल टू जीरो पे होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये चीज़ आ गई क्लियर। ये हमने जब यहाँ पुट करी तो वही आ गया जो यहाँ पर था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से हमें एक बात और क्या पता चलती है मेन, कि ये 1/2 kXm स्क्वेयर ऑब्वियसली बात है इसके इक्वल है 1/2 mVm स्क्वेयर के, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता है 1/2 mVm का स्क्वेयर इज इक्वल टू है किसके, 1/2 kXm स्क्वेयर के, बिकॉज यहाँ पर ही तो हमने Vm की वैल्यू रखी Vm स्क्वेयर की, तो ये आया हमारे पास, तो यानी कि दिस इक्वल टू दिस है, यही मतलब है यहाँ पर, या नहीं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहाँ पर क्या है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये आई है और इसकी की इतनी आई है हमारे पास, ये आई है और ये ऑब्वियस बात है इसी के इक्वल है, तो ये सारे क्या हैं आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, ये दो पार्ट इक्वल हो गए, ये वाली चीज़ हमारी इसके इक्वल आ गई, ये है कहानी। यहाँ से अब हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमम वेलोसिटी का, समझ रहे हो, मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो हम यहाँ से अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लें तो कैसे निकलेगी, देखो ये 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, और यहाँ से ये Vm का स्क्वायर, और ये क्या है kXm का स्क्वायर, और ये m इधर चला गया, ठीक है, यही है। अब जब यहाँ से आप Vm निकाल लोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये सब चीज़ किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी, k/m और ये xm का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, Vm क्या आ जाएगा, xm का स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, तो ये बाहर xm आ गया, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, यहाँ k/m रह जाएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ गई, और ये बहुत यूज़ होने वाला है आपका न्यूमेरिकल्स में, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ध्यान रहेगा ये। और यहीं से हम xm भी निकाल सकते हैं, बताओ समझ में आई बात, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अब इसका ग्राफ है, ग्राफ मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ, देखो ग्राफ, देखो कैसे बनता है इसका ग्राफ, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये तो हो रही है इधर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ये है इसकी एनर्जी, ठीक है जी, एनर्जी। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू जीरो, और ये वाला पॉइंट मान लो x इक्वल टू है माइनस xm, और ये वाला क्या है हमारा प्लस का xm है, क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब इसमें आपने करना कैसे है ये देखो, आप खुद सोचो x इक्वल टू ज़ीरो पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी, जल्दी से बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है आपका, इस तरीके से, ये x इक्वल टू ज़ीरो पे ऐसे बन गया ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी, तो ये वाला इस तरीके से बन जाएगा, ये ज़ीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी यहाँ पर, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो आप, ये हमने मैक्सिमम के लिए बनाया, ये इधर भी मैक्सिमम के लिए माइनस का, ठीक है। अब देखो ज़रा ये कौन सा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी की ये कर्व है, ठीक है, देखो इसको समझो, x इक्वल टू ज़ीरो पे क्या थी हमारे, और ये वाली जो यहाँ लाइन जाएगी हमारी, ये वाली, ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन यहाँ बनाओगे आप ऐसे, ठीक है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पर, ये एक सिंगल लाइन यहाँ बना दी हमने, ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक, और ये है हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी वो भी सी बात है, यहाँ एनर्जी की कुछ वैल्यू है, मान लो ये कितनी है, 6 है, ठीक है, तो ये 6 हो गई, टोटल एनर्जी 6 है, ठीक है। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो x इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यानी कि वो 6 है पूरी की पूरी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो 6 प्लस जीरो टोटल कितनी होगी, जीरो होगी इस पोजीशन पे। यहाँ पर देखो xm वाले पे हमें पता है जब ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती हैं अपनी, डिस्प्लेसमेंट पे होती है मैक्सिमम पे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस पोजीशन पे देखो एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, यहाँ ये वाली मैक्सिमम हो रही है यहाँ पर, ये देखो ये एनर्जी है और ये मैक्सिमम हो रही है, क्लियर, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम आ रही है। और इधर माइनस xm पे भी देख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, लेकिन इन पे देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। एनर्जी की वैल्यू यहाँ से देखो ना, ये ज़ीरो है, एनर्जी का ये है ना, तो यहाँ पर ये ज़ीरो है, और यहाँ पर भी क्या है। अब ये ग्राफ वैसे ऐसे बनाते थे आप, है ना, हमने क्या किया, ये मिडल में लेके ना ऐसे कर दिया,
समझ रहे हो, तो वो काम किया है। तो यहाँ पर देखो ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती थी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती थी। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे आप ये चीज़ समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, समझ रहे हो ना, सेम वैल्यूज हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये सिक्स है तो थ्री ही काइनेटिक है और थ्री ही पोटेंशियल है, तभी मिलके क्या हो रही है, टोटल सिक्स हो रही है। बिकॉज इन एवरी सिचुएशन जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी, वो तो कॉन्स्टेंट रहने वाली है। इस पोजीशन पे भी क्या होगा, मान लीजिए ये थ्री है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी थ्री है, तो टोटल कितना हो रहा है, सिक्स हो रहा है। जैसे ये लास्ट वाली पोजीशन थी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, ये जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लो ये हमारे पास सिक्स होगी, तभी टोटल सिक्स हो रहा है। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी ये जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सिक्स होगी टोटल, तभी टोटल एनर्जी सिक्स आ रही है। और यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, तो ये थ्री थ्री होंगे तभी सिक्स हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये पोजीशन है, ये वाली, ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ पर कुछ है, इस वाली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी, काइनेटिक एनर्जी हो गई ये वाली, ठीक है, और इस पोजीशन पे यहाँ क्या हो गई इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर हम देखो एक ही डिस्प्लेसमेंट ली हमने, कोई भी एक्स मान लिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ये पोटेंशियल है और ये क्या है हमारी, काइनेटिक है, और टोटल सिक्स ही होनी चाहिए। तो हो सकता है ये वाली जो काइनेटिक है हमारे पास, ये वाली जो काइनेटिक है ये फोर हो यहाँ, और ये वाली कितनी हो, टू हो पोटेंशियल, तो टोटल मिलकर सिक्स ही हो रही होगी। समझ में आया ग्राफ की कैसे की है, क्लियर? और टोटल ये सिक्स है हमारी, तो इसलिए ये टोटल एनर्जी की कर्व ऐसे बनी है हमारी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये जो यहाँ मिलाया है ना, इसके ही बिल्कुल यहाँ पर ये मिलानी है लाइनें, ठीक है, इस तरीके से, और ये यहाँ मिलाया तो इसके ऊपर यहाँ पर यही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक्स है, मैं यहाँ भी और यहाँ भी, समझ पा रहे हो? तो ये देखो ग्राफ जो है ना, आपको तब समझ में आएंगे जब नॉर्मल छोटे छोटे ग्राफ्स के बारे में आपको पता है कि कैसे हम देखते हैं उन ग्राफ को, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम बात क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एनर्जी इधर है, तो मतलब क्या है, ये उस पर प्लॉट हो रखी है ना ये कर्व्स, तो उन्हीं को देख रहे हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट पर कितनी एनर्जी है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये थे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। तो मेन बात इसमें यही थी कि जो आपको यहाँ पर देखनी थी, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होना था हमारा पास, यहाँ पर हाफ एम वी एम स्क्वेयर आया था, यहीं पर छोड़ देते हैं बुक्स में, लेकिन आपको सोचना है कि ये तो इसके इक्वल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह देख लो आपके पास, यहाँ से हमारे पास वी एम की वैल्यू आई, यहाँ से ये हमने यहाँ पुट करी और ये वैल्यू आ गई, तो उसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यही मेन कहानी थी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, ये था आपके पास, इसको अच्छे से करो, लिख लिख के देखो और समझो, कंसेप्ट समझो, तब बहुत ईजी लगेंगी चीज़ें। क्लियर? ओके, थैंक यू।